Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel. और आज आ गया है yes onboarding program. बहुत ज़्यादा request करी गई कि मैम onboarding program, onboarding checklist कैसे बनेगी, बता दिया था मैंने, फिर भी कुछ problems आ रही हैं, तो आज हम इसे discuss कर लेंगे. तो चलिए start करते हैं, ज़्यादा delay नहीं करते हैं और इसके बाद बहुत सारे और sessions आने वाले हैं. कैसे आने वाले हैं, जो situational questions interview पे आपने मुझसे पूछे हैं, situational interview questions पे वो भी काफ़ी सारे सेशंस हैं. तो चलिए वेट किस चीज़ का है, स्टार्ट कर लेते हैं. नाउ यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ऑनबोर्डिंग होती क्या है. वैसे मैं ऑनबोर्डिंग समझा चुकी हूँ बहुत बार. एक काम आप ये कर सकते हैं कि एक तो सिचुएशनल इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी मैंने समझाया, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, पीछे की प्लेलिस्ट है उसे पूरा चेक कर लें. और दूसरा एक चीज़ और है, क्या है और है, एचआर जर्नलिस्ट की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ऑनबोर्डिंग का सेशन, उसको भी ज़रूर देख लें, ठीक है. तो चलिए ऑनबोर्डिंग क्या होता है, ये होता है हमारा वेलकम करना न्यू एम्प्लॉई का, उसको इंट्रोड्यूस करना. सिंपल सा, उसने ज्वाइन करना है तो अब उसे हमें इंट्रोड्यूस करना है कंपनी में, वो आएगा तो राइट. मेकिंग अवेयर अबाउट कंपनी कल्चर, भाई कंपनी के बारे में बताना है, उसके कल्चर के बारे में बताना है. और नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने हैं उसके अकॉर्डिंग, और उसको कंफर्टेबल फील करवाना है, मेकिंग देम कंफर्टेबल. ये ऑफिशियली कहीं लिखा नहीं होता फिफ्थ वाला, लेकिन मैंने इसलिए बोला है बिकॉज सच में इस प्रोसेस में हमारा मेन मोटिव ये भी होता है कि एम्प्लॉई बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अब कैसे ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तीन स्टेजेस में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है. सबसे पहला आता है प्री बोर्डिंग बिफोर डे वन. डे वन से पहले क्या करना है, अब ये डे वन से कौन से पहले, ऑफर एक्सेप्टेंस जब उसने किया है और जब तक उसने डेट ऑफ जॉइनिंग उसकी नहीं आई है, मतलब उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है और उसकी डेट ऑफ जॉइनिंग अभी कुछ टाइम बाद है, 15 days 20 days लेट्स से, ओके 1 month भी हो सकता है. तो ये जो इतने बीच का ड्यूरेशन है, ठीक है, डे वन से पहले का जो ड्यूरेशन है इसको हम बोलते हैं प्री बोर्डिंग. अब क्यों कहा जा रहा है, इसकी बात क्यों हो रही है, बिकॉज उसके आने से पहले हमें कुछ प्रिपेरेशंस करनी होंगी. ऐसा तो नहीं है ना कि जब वो आएगा तभी हम सब कुछ करेंगे, राइट. तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, अब आ जाते हैं यहाँ पे. अब हमें ये देखिए मैंने चार चीज़ें एरोज में दी हैं, ये हमें बुलेट्स में दी हैं, ये हमें सेंड करनी है. चलिए फर्स्ट आता है सेंड आउट्स. सेंड आउट्स क्या हैं, वेलकम मेल सेंड करना, SMS या फिर WhatsApp सेंड करना. मैं दोनों ही चीज़ें करती हूँ. वेलकम मेल ज़रूर सेंड करें, बहुत ही अच्छा लगता है, और उसके साथ SMS या WhatsApp आप करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ठीक है. WhatsApp बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है तो वो भी आप कर सकते हैं. और उसके साथ एक मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा है फॉलो अप मेल. नाउ बहुत बार ऐसा होता है वेलकम मेल का ना रिप्लाई नहीं आता, ऑल्दो हमेशा आ ही जाता है, ज़्यादातर आ जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं आता और हमें लगता है एम्प्लॉई आएगा, और यहाँ पे बहुत सारे फॉल डाउन भी होते हैं. यस, तो हमें क्या करना है, एक फॉलो अप मेल हमें सेंड करना है अगर उसका मेल नहीं आता है कि वो हमें ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि हमें कंफर्म तो करना है ना, हम इतनी सारी प्रिपेरेशंस कर रहे हैं, अगर एम्प्लॉई उस दिन आया ही नहीं तो क्या होगा. एंड ये बहुत कॉमन है स्मॉल सिटीज़ में या फिर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में, इट्स वेरी कॉमन के जो कैंडिडेट्स हैं वो कई जगह क्योंकि अप्लाई करते हैं उन्हें लगता है यार पता नहीं इस कंपनी में जाऊँ नहीं जाऊँ, तो बहुत बार ऐसे शॉर्टफॉल्स भी होते हैं कि डे वन कैंडिडेट नहीं आए, ठीक है. तो यहाँ पे फॉलो अप मेल कर लेंगे, और अगर वो मेल का रिप्लाई करता है प्रॉपर कैंडिडेट तो इसका मतलब वो आएगा, और मेल का अगर कैंडिडेट नेगेटिव भी आता है तो भी हमें पता चल जाएगा कि वो नहीं आने वाला है, ठीक है. इसलिए ये ज़रूर सेंड करें. नेक्स्ट इज लिंक्स. अब आप ये ध्यान रखिएगा, ये जितना भी मैं ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम बता रही हूँ ना, ये खाली ऐसे देखकर मत भागिए, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए जितनी मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी समझने में प्रैक्टिकली भी और वहाँ पे लिखने में भी, जहाँ पे भी आपको लिखना होगा, ठीक है. तो इसलिए पूरी बात प्रॉपरली सुने, खाली इसको कॉपी पेस्ट ना कर लें, फाइन. अब बनाना आपको यही है, इसी तरीके से प्रोग्राम बनता है, आप यही चीज़ें लिखेंगे कि हम ये करेंगे. इसमें अंदर की डिटेल्स नहीं आती हैं कि वेलकम मेल लिखना नहीं शुरू कर देंगे हम प्रोग्राम में, वो तो अलग लिखी जाएगी. यहाँ पे जब हम एक चेकलिस्ट बना रहे हैं या हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये ना ऐसी लिस्टिंग की फॉर्म्स में ही बनते हैं, ठीक है. तो ये हमारा ऐसे ही बनेगा. उसके बाद आते हैं लिंक्स. अब ये लिंक्स क्या है, हमें उसे लिंक सेंड करने हैं, किसके, अपनी कंपनी के वेबसाइट, वेलकम पेज, ऑनबोर्डिंग अगर कोई आपका फॉर्म है कंपनी में तो वो भी जाएगा, जो उसे उससे पहले फिल करना होगा, ठीक है, वो फिल करके आपको सेंड कर देगा या फिर जो भी आपका प्रोसीजर होगा, ठीक है. वेलकम पेज पे क्या होगा, वेलकम पेज पे आप उसका प्रोफाइल डालेंगे जिससे कि
उसको अच्छा फील हो कि हाँ भाई अब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रहा हूँ, ठीक है। और कंपनी की वेबसाइट, ये आप मेल में कर सकते हैं बहुत आसानी से, वेलकम मेल में ही ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं, लिंक्स जो हैं, ठीक है। मैंने सेपरेट इसलिए स्पेसिफाई करा है बिकॉज हो सकता है वेलकम मेल में आप खाली वेलकम एंड ऑल करके छोड़ दें और ये सारी चीज़ें रह जाएँ, इसलिए हमें ध्यान रखनी है कि लिंक्स हमें शेयर करने हैं। उसके बाद ब्रीफ इंट्रो हमें बताना है किसका, हायरिंग मैनेजर भाई जिसके अंडर आप काम करने वाले हो सकता है उसको पता हो बट स्टिल ऑफिशियली अब वो ज्वाइन करने वाला है तो बताना ज़रूरी है। एंड टीम, लाइक अगर वो 5 की टीम ज्वाइन करने वाला है तो स्पेसिफाई द नेम एंड डेजिग्नेशन, उतना बहुत है, बहुत ज़्यादा उनकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये सब ज़रूरी नहीं है मेंशन करनी, राइट। ऑल दो आजकल एक वीडियो इंट्रो का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है बिकॉज हर चीज़ बहुत वीडियो वीडियो ओरिएंटेड हो रही है, जैसे कि वीडियो रिज्यूमे की बात होती है, ठीक है, और वीडियो क्वेश्चन आंसर्स, वीडियो इंटरव्यूज़ की बात हो रही है, तो वीडियो इंट्रोज की भी बहुत बात होती है जिसमें पूरी टीम हाई हेलो ज़रा ज़रा सा बोलती है अपने बारे में, तो वो बहुत ही थोड़ा ही होता है, वो ब्रीफ ही होता है, वो ऐसे नहीं होता कि कोई अपना पूरा इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दे, पूरा इंटरव्यू ही दे दे, पूरी टीम जैसे 5 जने हैं तो बहुत सारा कुछ अपने बारे में बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता, वो बस उनका नेम उनकी डेजिग्नेशन इतनी बात होती है, ठीक है। तो ये आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज स्केड्यूलिंग, यस, क्या रिपोर्टिंग टाइम है, हो सकता है आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद में हो तो वो आपको मेंशन करना है। और उसके बाद ऑनबोर्डिंग टाइम, मतलब उस दिन का स्केड्यूल क्या रहेगा, ऑनबोर्डिंग आपकी किस समय से स्टार्ट हो जाएगी, आते ही, आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद, राइट। इस तरीके से आप अगर कुछ स्पेशल टाइम देंगे, स्पेशली 1 आवर बाद का जो रीचिंग टाइम है उसके बाद, तो एम्प्लॉई वहाँ पे आएगा, थोड़ा सा सेटल डाउन होगा, बैठेगा, उसको भी ये स्केड्यूलिंग बहुत अच्छी लगेगी, उसके पास भी एक टाइम माइंड में एक टाइमिंग होगी कि कब क्या होने वाला है, ठीक है। ये आज मैं बहुत ही डिटेल में बता रही हूँ छोटी छोटी चीज़ें, पहले भी मैं बहुत बार प्रोसेस बता चुकी हूँ, लेकिन हाँ जब हम आज प्रोग्राम बना रहे हैं तो और हमें आई थिंक क्लैरिटी मिल रही होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑनबोर्डिंग डे, प्लीज़ इसे पूरा सुनिएगा, मेरी आपकी रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, और फिर एक बार सुनने के बाद ना फिर इसको अपने रजिस्टर में नोटबुक में नोट करें और फिर इसमें जो ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं एज इट इज़ कॉपी मत करिएगा, कुछ ऑल्ट्रेशन ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए ऑनबोर्डिंग डे, डे वन अरेंजमेंट, अब डे वन के क्या अरेंजमेंट है ऑनबोर्डिंग डे के, वेलकम टूर, यस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। कैसे हम प्लान कर सकते हैं, या तो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में हो, जिस दिन एम्प्लॉई आ रहा है उस दिन मुझे क्या करना है, उसे वेलकम टूर देना है, एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग के थ्रू भी हो सकता है, ये हो सकता है कि जैसे आपकी एक कॉन्फ्रेंस हॉल हो वहाँ पे एक पीपीटी फॉर्म में चल जाए, कुछ भी स्लाइड्स फॉर्म में चल जाए, मतलब बहुत सारे आप कुछ ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, 8 to 10 ऑफिशियल्स आर देयर एंड देन न्यू जॉइन इज देयर, और वो सेंटर पॉइंट है, और उसके बाद आपने कुछ स्लाइड्स में या कुछ स्लाइड्स में आपने कुछ स्लाइड्स अपनी कंपनी की बना ली प्रोसेसेस और सब चीज़ों से रिलेटेड, और वो वहाँ पे चल जाएगी, तो वो एक वेलकम टूर हो जाएगा, कंपनी के बारे में पता चल जाएगा, कंपनी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्या हुई थी, इसका एक बहुत अच्छा सा आप वीडियो बना के रख सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग के थ्रू हो सकता है, या फिर हो सकता है स्लाइड्स के थ्रू हो सकता है, मतलब खाली ऐसे ही बताएं आप मीटिंग में, या फिर मीटिंग में स्लाइड्स चल जाएं, या फिर हो सकता है इन पर्सन, मतलब आपने कोई एक पर्सन एलोकेट कर दिया जो कि वेलकम टूर दे दे, जो कि पूरी कंपनी विजिट करवा दे, और ये दोनों चीज़ें साथ भी हो सकती हैं कि एक बार स्लाइड्स चल गई हमारी और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन पर्सन भी किसी ने टूर करा दिया कंपनी का, ठीक है। स्पेशली हायर सीनियर प्रोफेशनल्स के केस में दोनों चीज़ें होती हैं, जब वो कंपनी पे विजिट करना चाहते हैं डे वन और सीनियर प्रोफेशनल्स, और वो एक स्लाइड्स फॉर्म भी देखना चाहते हैं कि भाई एट अ ग्लांस पता चल गया कि क्या 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 है, कंपनी कहाँ है, कितनी बड़ी है, कैसे कैसे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक बार पता चल गई, और उसके बाद फिर इन पर्सन किसी ने उन्हें विजिट करा दिया, ठीक है, पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी जो कंपनी है, ठीक है। तो इस तरीके का कितना पार्ट कराना है, कितना नहीं कराना है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, वेलकम टूर में क्या क्या चीज़ें बताई जाएंगी, कंपनी का कल्चर, बिजनेस प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और बहुत सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज, यस, डे वन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैं बहुत जगह ऐसे कह देती हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मतलब ये ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है इसलिए बोलती हूँ। डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़, जो भी आ रहा है उसकी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ डे वन जो भी होनी है, जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग, कोई फॉर्म फिलिंग है, कुछ और डॉक्यूमेंट्स फिलिंग है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद एलोकेशंस, क्या क्या चीज़ें एलोकेट करनी है, एम्प्लॉय हैंडबुक्स,
हैंडबुक, एम्प्लॉई हैंडबुक, एम्प्लॉई हैंडबुक में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स और वेज प्रोसेसर्स, बहुत कुछ ऐसा जो कि खाली अभी तो आपने ऑडियो विजुअल में बता दिया हमें, लेकिन उसे रीड करना होगा और धीरे धीरे ही करके चीज़ें समझ आती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी का एक दिन दो दिन लगा भी दिया ऑनबोर्डिंग में तो उसको सब समझ आ गया और सब कुछ रिटेन हो गया, नहीं, उसके पास कम से कम कुछ तो हैंडबुक होनी चाहिए। मतलब हमारी एक नोटबुक होती थी ना जिसमें से हाँ टीचर ने कुछ समझा दिया चैप्टर में से, उसके बाद हम उससे रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये उसी तरीके से एम्प्लॉई हैंडबुक है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो सकती हैं। किस किस तरीके की, मैंने बता दिया पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कंपनी का विजन मिशन कल्चर वैल्यूज एथिक्स प्रोग्राम्स इवेंट्स कॉन्फ्रेंसेज, अभी जो पीछे कुछ भी हो चुके हैं, 5 ईयर प्लान्स आगे के और अचीवमेंट्स अकम्पलिशमेंट्स, इस तरीके की चीज़ें एम्प्लॉय हैंडबुक्स में होंगी जो कि एम्प्लॉय रेफर कर सकता है कभी भी, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली रिटन फॉर्म में होगी ना तो बहुत ईजी रहता है देखने में समझने में। उसके बाद आते हैं हमारे आईटी डिवाइसेस जो हमें उसे एलोकेट करने हैं, क्या आईटी डिवाइसेस जो भी नीड्स के ऊपर है। मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी को आईडी लैपटॉप सिम मोबाइल फ़ोन मिलेगा, इट विल डिपेंड। लाइक अगर हमारा कोई एग्जेक्टिव आ रहा है वो सिर्फ एक ऑफिस असिस्टेंट है, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो उसको ऑब्वियसली सिम मोबाइल फ़ोन ज़रूरी नहीं है देना होगा, लेकिन हाँ उसका सिस्टम एलोकेशन तो होगा ही, सिस्टम एलोकेशन होगा या अगर लैपटॉप एलोकेशन होता है तो वो, ठीक है। आईडी सबको मिलती मिलती है, ईमेल आईडी हो सकती है, आपके अपनी एम्प्लॉई आईडी हो सकती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर एलोकेशन, इन सब के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन एलोकेशन के लिए आईटी वाले एलोकेट करेंगे, कौन करेगा, राइट, किस टाइमिंग होगा, ये सारी चीज़ें प्लान करनी, ठीक है। चलिए आई होप सो समझ आ गया होगा, नेक्स्ट आ जाते हैं। देखिए थर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये बहुत सारे लोग ना इंक्लूड नहीं करते ऑनबोर्डिंग में, बट मैं हमेशा से करती हूँ, इसलिए मैंने इसको डाला है कि यार एक एम्प्लॉई आ रहा है ना तो उसका ये भी इसी के साथ हम प्लान कर लेते हैं। मैंने हमेशा से चेकलिस्ट में ऑनबोर्डिंग में ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम में मैंने हमेशा इसको थर्ड पॉइंट रखा ही रखा है ट्रेनिंग को, ऑल दो बहुत सारे लोग नहीं कंसिडर करते ट्रेनिंग प्रोग्राम को, वो कहते हैं ऑनबोर्डिंग सिर्फ वहीं तक ही है कि हाँ इंट्रोडक्शन वेलकम और उसके डॉक्यूमेंट्स ले लिए उसे दे दिए ऐसा ऐसा कर दिया, लेकिन ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है जो डे वन से स्टार्ट होती है। अब डे वन का मतलब ये नहीं है कि हम एकदम बहुत ही हाई लेवल की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, टाइप ऑफ ट्रेनिंग है, कितनी देनी है कितनी नहीं देनी है, वो सारी चीज़ें हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन ट्रेनिंग का डे वन, एक दिन का, एक वीक का और मंथ का, ये सब हमें डिवाइड करना होगा। डे वन में कितनी करानी है, फिर वीक वन में कितनी हो जानी चाहिए, एक मंथ में कितनी हो जानी चाहिए, ठीक है। ऐसे आपके जो ये टाइमिंग्स हैं ये कुछ भी डिफरेंट हो सकते हैं, 15 डेज हो सकते हैं या फिर 20 डेज हो सकते हैं, राइट, और मंथ भी दो हो सकते हैं, तो इस तरीके से आपकी कंपनी पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज मेंटोर, बहुत इंपॉर्टेंट, मेंटोर एलोकेट करना, कौन ट्रेन करेगा, ट्रेन करने वाला बंदा कौन होगा, ठीक है, उसका एलोकेशन, उसका स्केड्यूल, उसका सुपरविजन, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिसाइड कर लेंगे, ऑलरेडी पता होंगी। देखिए अगर हम ये ऑनबोर्डिंग के साथ ही प्लान कर लेंगे ना ये ट्रेनिंग वाला पार्ट भी, तो हमारा बहुत सारा काम एक एम्प्लॉय का सारा खत्म हो जाएगा यहीं तक की 99% और 1% मैं उसका स्कोप छोड़ रही हूँ जो कुछ ना कुछ हमेशा बचता ही बचता है ना, हम चाहे कितना ही प्लान कर ले कुछ ना कुछ चीज़ बाद में निकल के आ जाती है, तो वो 1% रह जाएगी, लेकिन यहाँ तक हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे। उसके बाद फीडबैक सिस्टम, अब ये फीडबैक सिस्टम मैंने 30 डेज से स्टार्ट किया, बिकॉज 30 डे 60 डे 90 डे लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप 1 वीक का भी स्टार्ट कर सकते हैं, 15 डेज का भी फीडबैक सिस्टम कर सकते हैं, 30, 60 और 90 कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा ड्यूरेशन लिया जाता है जिसमें पता चले कि हाँ भाई एम्प्लॉय को इतने दिन से हम ऑनबोर्डिंग कराने, इतने दिन से ट्रेनिंग पे है वो, इतने दिन से चीज़ें सीख रहा है तो कितना सीखा, ठीक है। ऐसा ही तो नहीं है कि हाँ बस टाइम से ही पास हो रहा है कि हाँ भाई वो तो रोज सीख नहीं बैठ जाता है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए ये ड्यूरेशन भी डिसाइड करना ज़रूरी है। इस फीडबैक, पता है क्या होता है, ये फीडबैक के भी बहुत सारे मेथड होते हैं ट्रेनिंग के। आप कोई फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें जितनी ट्रेनिंग दी गई उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हों, जिसको वो फिल करे तो पता चल जाएगा कि उसको इन चीज़ों के बारे में कितना पता चला है। सामने आप इन पर्सन भी पूछ सकते हैं, थ्रू मेल भी पूछा जा सकता है, बहुत सारे वेज हैं इस फीडबैक सिस्टम को लेने के भी, तो कोई भी आप सिस्टम उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, ये ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम है, ठीक है, और इसको आप चेकलिस्ट में कैसे ड्राफ्ट करेंगे, यही सेम आप चेकलिस्ट में भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो चेकलिस्ट में भी ये जो मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, ये सारे आपको पॉइंट्स चेकलिस्ट में ही डालने हैं। जैसे प्री बोर्डिंग आ गया तो प्री बोर्डिंग में क्या क्या पॉइंट्स, ये चेकलिस्ट हो जाएगी, फिर ऑन बोर्डिंग डे में क्या क्या पॉइंट्स, फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या पॉइंट्स, राइट, ये हमारी चेकलिस्ट हो जाएगी और प्रोग्राम ये पूरा डिटेल हो जाएगा, राइट। आई होप सो ये अब आपको समझ आया होगा, मुझसे बार बार रिक्वेस्ट हो रही थी कि मैम इसको ज़रूर लेकर आए, नहीं बन पा रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो
तो आई होप सो बेनिफिशियल होगा, हेल्पफुल है, मुझे ज़रूर बताएं। और बहुत सारे सेशंस आने वाले हैं, आप लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही मिसलेनियस टाइप के हैं, तो वो ऐसे ही आएंगे जैसे आज मैंने ये डिटेल बनाया है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।